कैसे हो? एक तो भाई वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दो, क्योंकि बहुत ही काम की न्यूज़ है, बहुत ही काम की वीडियो है ये, आपके नहीं तो किसी और के काम जरूर आएगी वीडियो। हरियाणा सरकार की तरफ से ये न्यूज़ निकल के आ रही है, ये खबर निकल के आ रही है कि लॉकडाउन के दौरान टू व्हीलर फोर व्हीलर, प्राइवेट हो या फिर कमर्शियल नंबर हो, दोनों के दोनों जो कि हरियाणा पुलिस द्वारा इम्पाउंड किए गए थे या आरटीओ द्वारा जो इम्पाउंड किए गए थे, अब हरियाणा सरकार ने आदेश दिए हैं कि जिसका वो साधन है अब वो उस साधन को 500 से 1000 रुपए में छुटा के ले जा सकता है। अगर आपकी टू व्हीलर कोई बाइक थी तो आप 500 रुपए में उसको छुटा के ले जा सकते हैं, और अगर आपका वो साधन फोर व्हीलर था तो 1000 रुपए में आप उसे छुड़ा के ले जा सकते हैं, आपका जो वो साधन है जो इम्पाउंड किया गया है। अगर मैं कमर्शियल व्हीकल की बात करूं तो कमर्शियल व्हीकल वो होते हैं जिनके ऊपर पीली पीली प्लेट लगती है, कमर्शियल व्हीकल का सिर्फ 2000 रुपए का आप चलान भर के आप उसे ले जा सकते हैं। तो साथ में अपनी आईडी ले जाना, और ये चलान आपने कहाँ भरना है, ये चलान आपने आरटीओ ऑफिस में भरना है, आपको कहीं मतलब पुलिस थाने में जाने की जरूरत नहीं है, आपने पहले आरटीओ अपने जो चलान काटा था वो साथ में ले जाना और आईडी साथ में ले जाना, कहीं कोई और दूसरा किसी के साधन को उठा के ले जाए। इसलिए सरकार ने कहा कि भाई साथ में आप अपनी आईडी भी ले जाना और आरसी भी ले जाना। ये साधन पुलिस ने जब्त किए थे, चाहे धुमा पर्ची हो या फिर पोल्यूशन का आपका चलान काटा गया हो या हेलमेट का चलान काटा गया हो, कैसे भी चलान काटा गया हो, अब आप 500 से 2000 रुपए के बीच में टोटल सबको कोई भी साधन हो आपका ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि 24 मार्च से 31 मई के बीच में जो भी साधन इम्पाउंड किए गए हैं, ये स्कीम सिर्फ उन लोगों के लिए हरियाणा सरकार ने जारी की है। तो भाई अगर वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक कर देना, शेयर कर देना, और भाई हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।